क्या या जाना नहीं चाहेंगे कि कैसे 1.5 फीट 5 इंच का लड़का लंबे चौड़े ओपोनेंट्स को हाई जंप इवेंट में देकर करारी मात जीत लेता है एक सिल्वर मेडल, और वो भी 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में। आइए जानते हैं एथलीट प्रवीण कुमार के बारे में। ये भारत के पैरा हाई जंपर हैं जो जेवर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जन्म से ही ये कंजेनिटल डिसेबिलिटी के शिकार हैं। स्कूल टाइम में ये स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स में भागीदारी देते थे। इनकी वॉलीबॉल स्किल्स के बारे में तो इनके यारों दोस्तों का कहना है कि प्रवीण वॉलीबॉल कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स में एकदम आउटस्टैंडिंग थे। टीवी और गूगल पर एथलीट्स को देख देख कर इन्होंने हाई जंप भी करना सीख लिया। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग में किसी ने इन्हें कोच सत्यपाल के बारे में बताया। ये वही सत्यपाल हैं जिनका जिक्र हमने कशिश लाखरा की स्टोरी वीडियो में किया था। गवर्नमेंट से फंड्स का कुछ खास सपोर्ट नहीं था, लेकिन इनके कोच सत्यपाल ने अपनी जेब तक से सारी कमी को पूरा किया। अब एक बड़ा सवाल था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट पास था और प्रवीण की जंपिंग टेक्निक पर काम करना था, यानी उनकी स्ट्रडल जंप टेक्निक को फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक उबर में चेंज करना था। तो बस कुछ नहीं, लग गए ये दोनों गुरु चेला नामुमकिन को मुमकिन करने में। प्रवीण ने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल जीता 2019 के जूनियर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एक सिल्वर मेडल। साल 2021 में प्रवीण कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स फाजा ग्रैंड प्रिक्स दुबई में एक गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि हाई जंप में एक नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने अपना पैरालंपिक्स डेब्यू एक सिल्वर मेडल जीत कर किया टोक्यो में, जहां इन्होंने फिर से मेंस हाई जंप में 2.07 मीटर का एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली प्रवीण कुमार को उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर ट्वीट करके शुभकामनाएं भी दी। इन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2023 में 2.02 मीटर की छलांग मार के फिर एक बार गेम का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के इन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स कोटा अपने नाम कर लिया है, और अब ये चीता तैयारी कर रहा है फिर से दहाड़ने की, दो कदम पीछे लेकर एक और ऊंची छलांग मारने की। बस इंतजार है पेरिस पैरालंपिक्स का। शाबाश प्रवीण, लगे रहो इंडिया। रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स फॉर अ कॉज।